हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइल फाउंडेशन के आगे के न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये शीट है, हमने लास्ट वीडियो सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, ठीक है। अब हम 8, 9 देखते हैं कैसे करना है। क्या लिखा है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम स्पेसिंग ऑफ 25 सर्कुलर पाइल्स अरेंज्ड इन अ स्क्वायर ग्रुप। निगलेक्ट पॉइंट, यहाँ पर निगलेक्ट पॉइंट रेजिस्टेंस आना चाहिए, निगलेक्ट पॉइंट रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड एम मतलब होता है अल्फा, जिसको हम एडिशन फैक्टर बोलते हैं, वो दिया है 0.75 का। तो आइए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने डेटा कॉपी कर लिया, यहां पर आप देख सकते हो आपको ऑप्टिमम स्पेसिंग निकालनी है पाइल ग्रुप की। नंबर ऑफ पाइल्स 25 दिया है, डायमीटर ऑफ पाइल आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मैंने उसको डी पकड़ लिया। उसने कहा है पॉइंट रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट करो, मतलब आपका क्यूपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड देन उसने बोला है एडिशन फैक्टर एम या फिर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.75 है मेरे ख्याल से, यस सॉरी इट इज 0.7, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1। हम लोग पहले अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, हम निकालेंगे पहला बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्शन, बाय इंडिविजुअल एक्शन। तो क्यू यू ग्रुप इक्वल टू एन इन टू क्यू यू इंडिविजुअल। एन कितना है, नंबर ऑफ पाइल्स है, नंबर ऑफ पाइल्स आपको दिया है 25। अभी क्यू इंडिविजुअल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है क्यू पी प्लस क्यू एस, मतलब पॉइंट रेजिस्टेंस प्लस स्किन फ्रिक्शन। ये 25 हो गया, क्यू पी है आपका 0, क्यू एस का फॉर्मूला हमने देखा था अल्फा सी बार पाई डी एल। तो ये 25 मैंने ले लिया, 25 पाइल्स है, अल्फा की वैल्यू है 7 की, कोएजन आपको नहीं दिया हुआ है, पाई डायमीटर भी नहीं पता, लेंथ भी नहीं पता। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, 25 को 0.7 और पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 इंटू 0.7 इंटू पाई आता है 54.98 के आसपास आ रहा है। तो मैं इसको 55 पकड़ लेता हूँ, 55 सी बार पाए, सी बार को सी बोल दो आप लोग, पाए भी कट गया ना, पाए मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, इंटू डी इंटू एल। तो ये आ गया क्यू ग्रुप बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्शन। अब आप निकालो ग्रुप की कैपेसिटी बेस्ड ऑन ब्लॉक एक्शन। तो बेस्ड ऑन ब्लॉक एक्शन कैपेसिटी कैसे वर्कआउट करते हैं, तो क्यू यू ग्रुप इक्वल टू, मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। आपके पास नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है, 25 है, और उसने उसको स्क्वायर पैटर्न में अरेंज किया ना, तो 5 रोज 5 कॉलम्स का एक फाइल का ग्रुप बनेगा हमारा। ठीक है, तो हर एक फाइल के बीच में एक एक स्पेसिंग आएगी, ये स्पेसिंग है एस, आपको वो एस की वैल्यू वर्कआउट करनी है, ठीक है। तो दिस इज एस, दिस इज एस, तो आप देख सकते हो एक साइड में कितनी स्पेसिंग बन रही है। तो देर आर नंबर ऑफ स्पेसिंग इज 4, तो 4 स्पेसिंग बन रही है हर लेंथ में, ठीक है। तो यहां से इसका साइड क्या बनेगा, ये बनेगा 4s प्लस स्मॉल डी, ये भी क्या बनेगा 4s प्लस स्मॉल डी बनेगा, ठीक है। तो s 4 बार आ रहा है और कॉर्नर से d by 2 लिया मैंने वाला, ये d by 2 और यहां से भी d by 2, तो d by 2 पूरा बन गया d, और 4 बार स्पेसिंग आ रही तो 4s प्लस d। तो यहां पर मैं क्यू यू ग्रुप में याद रखना, हमको पॉइंट रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है, स्किन फ्रिक्शन पकड़ना है, ये टर्म होगा 0,
स्किन फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 लेते हैं, ये अल्फा टी बार या सी बोल दो इनटू पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है 4s प्लस डी है 4 बार, तो 4 टाइम्स 4s प्लस डी इनटू लेंथ कर देंगे, अल्फा की वैल्यू रहेगी 1, टी तो पता नहीं आपको, 4 4 जा 16s, 4 डी जा यहाँ 4d, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू लेंथ। ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको ऑप्टिमम स्पेसिंग निकालनी है, फॉर ऑप्टिमम स्पेसिंग व्हाट यू डू, यू जस्ट इक्वेट 1 एंड 2, आप 1 एंड 2 को इक्वेट कर दीजिए। तो फर्स्ट वाला है 55 CDL, दिस इज 55 CDL, और नेक्स्ट क्या है, T इंटू ब्रैकेट 16S प्लस 4D इंटू L, ये L कट जाएगा, ये C भी कट जाएगा, ये आ गया 55D इक्वल टू 16S प्लस 4D, तो 55D माइनस 4D इक्वल्स टू 16S, 51D इक्वल टू 16S, तो 51 को आप 16 से डिवाइड करो, यह आएगा 3.125, तो S इक्वल टू 3.187 टाइम्स D, तो ये आ गया इसका स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं दी थी, एक सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन हमने सॉल्व कर लिया, एक स्पेसिंग निकाल ली इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर द अबव प्रॉब्लम डिटरमाइन द ऑप्टिमम स्पेसिंग इफ द पाइल्स आर स्क्वेयर। अगर मान लो डायमीटर के बदले हमने स्क्वेयर पाइल यूज किया, सर्कल के बदले स्क्वेयर पाइल यूज किया, तब क्या चेंजेस आएंगे वो देखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द सेम प्रॉब्लम फॉर द स्क्वेयर पाइल। अभी स्क्वेयर पाइल में फर्क क्या रहेगा, स्क्वेयर पाइल में डायमेंशन रहेगा b इंटू बी, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्शन। पहले निकालेंगे इंडिविजुअल एक्शन के बेस पे, तो क्यू यू ग्रुप इक्वल्स टू एन इंटू क्यू यू इंडिविजुअल करेंगे, नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है 25 इंटू क्या था फॉर्मूला क्यू पी प्लस क्यू एस। एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में बोला कि फ्रिक्शन पाइल है, लेट अस से उसने बोल दिया फ्रिक्शन पाइल, तो फ्रिक्शन पाइल में ऑटोमेटिकली क्यू पी विल बी जीरो, बिकॉज फ्रिक्शन पाइल ऐसी पाइल होती है जिसमें पॉइंट रेजिस्टेंस नहीं मिलता, तो फ्रिक्शन पाइल बोला मतलब क्यूपी आपको ऑटोमेटिकली जीरो पुट करना है, ठीक है। ये 25 क्यूपी कट जाएगा, उसने बोला जीरो। क्यूएस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा सी बार इंटू हम लेंगे पाई डी एल, सर्कल के केस में पाई डी क्यों ले जाते ताकि पेरीमीटर आ जाए। अब इसका पेरीमीटर क्या है, 4 टाइम्स विथ ऑफ द पाइल इंटू लेंथ कर दो, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 25 इंटू सी दिया आपको 0.7, अल्फा दिया 0.7, सी नहीं पता, ये 4 हो गया, बी इंटू एल, तो आप 25 को पहले 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 0.7 इंटू 4 कर दो, ये आएगा 70, तो क्यू यू ग्रुप कितना रहा है 70 सी बी एल, सी इंटू बी इंटू एल, इक्वेशन नंबर 1। अब आएंगे स्टेप नंबर 2 में, तो बेस्ड ऑन ब्लॉक एक्शन हम कैपेसिटी निकालेंगे, तो बेस्ड ऑन ब्लॉक एक्शन, तो क्यू यू ग्रुप आपका पॉइंट रेजिस्टेंस आपको निगलेक्ट करना है, आपको सिर्फ पकड़ना है स्किन रेजिस्टेंस, तो स्किन रेजिस्टेंस कैसे वर्कआउट करेंगे, हम लेंगे पहले पेरीमीटर, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल्स है 25,
तो जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ना 25 पाइल्स के लिए सर मैक्स बनेगा, तो यहाँ पे डायमीटर के बदले क्या यूज करना पड़ेगा, विड्थ यूज करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर है 4 टाइम्स 4s प्लस डी के बदले बी बन जाएगा, बिकॉज बी फॉर विड्थ ऑफ द स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू अल्फा सी बार। तो 4 इंटू 4s प्लस बी, लेंथ नहीं पता, अल्फा की वैल्यू हम लेंगे इसमें 1, ठीक है, इंटू सी। ब्लॉक मोड में हम लोग अल्फा की वैल्यू कितनी लेते हैं, हम 1 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिया था। चलिए 4 4 16s प्लस 4b इंटू एल इंटू सी, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। वी विल इक्वेट 1 एंड 2 टू गेट द स्पेसिंग। तो पहली इक्वेशन क्या थी, 70 cbl इक्वल टू 16s प्लस 4b इंटू एल इंटू सी, यहाँ पे l कटा c कटा, तो 70b इक्वल टू 16s प्लस 4b, 70 में से 4b सब्ट्रैक्ट कर लो, 70b माइनस 4b इक्वल टू 16s, यहाँ 66b इक्वल टू 16s, तो 66 अपॉन 16, s विल बी इक्वल टू 4.125 टाइम्स विथ ऑफ द पाइल, ठीक है। तो स्पेसिंग का नया फॉर्मूला क्या गया, s इक्वल टू 4.125b। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेंगे, क्योंकि ये 10th वाला क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट, पहले 11th वाला कर लेते हैं। क्या लिखा है, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ अ सर्कुलर पाइल 45 सेंटीमीटर डायमीटर सब्जेक्टेड टू लोड ऑफ 450 किलो न्यूटन टेकिंग कोहेजन 40 दिया है, अल्फा दिया है 0.7, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का दिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं, 10th वाला आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद ही ट्राई करो। डेटा क्या लिखा है, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बोला मतलब लेंथ ऑफ द पाइल आपको वर्कआउट करना है, एल क्वेश्चन मार्क है। डायमीटर ऑफ पाइल है 45 सेंटीमीटर का, मतलब 0.45 मीटर का, सब्जेक्टेड टू लोड कितना है, 450 का है, तो लोड आपको दिया है, इसको बोलेंगे Q, 450 किलो न्यूटन का लोड है। टेकिंग कोहेजन C दिया है 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, अल्फा दिया है 0.7, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 2 का है, ठीक है। आइए स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान देना, इसमें आपको डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन निकालना है, मतलब पाइल को मैं ग्राउंड के अंदर कितना अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, आपको वो वर्कआउट करना है। ये पाइल को हम लोग ग्राउंड के कितना अंदर इंसर्ट करेंगे, दैट लेंथ इज टू बी वर्कड आउट, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, पहले आप अल्टीमेट लोड निकाल लो, अल्टीमेट लोड मतलब क्यू यू, वो होता है सेफ लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ लोड कितना आपका, वो है जो लोड दिया है 450 को, सेफ लोड है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का है, तो 450 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, ये बन जाएगा 900 किलो न्यूटन का लोड, ये क्यू यू आ गया आपका। ठीक, कभी भी याद रखना, जो लोड दिया रहेगा वो सेफ लोड दिया रहेगा, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, तो आप अल्टीमेट लोड कैसे निकाल सकते हैं, सेफ लोड मल्टीप्लाइड विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बट अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब समझ लेना जो लोड है वो आपका अल्टीमेट लोड है, ठीक है। अब क्यू यू का फॉर्मूला क्या था, क्यू पी प्लस क्यू एस, क्यू यू है आपका 900 इक्वल टू क्यू पी, ये होता फॉर्मूला 9c, 5/4d का स्क्वायर, किन रेजिस्टेंस क्या होता है, अल्फा सी बार एंड पाई डी एल, यहाँ से आपको एल निकालना है। तो 900 इक्वल टू कोहेजन कितना आपका, वो है 40 का, 5/4d कितना आपका, 45 सेंटीमीटर का, मतलब 0.45 स्क्वायर, अल्फा वो है 0.7, c
बार मतलब एवरेज क्वेश्चन, वो भी आप 40 पकड़ सकते हैं, नहीं दिया तो अलग से आपको। डी आपका है 0.45, यहाँ से आपको लेंथ वर्कआउट करना है। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, यहाँ पर सेफ लोड, अच्छा यहाँ पे सेफ लोड 2450 का है, 250 का नहीं है, मेरे से गलती होगी यहाँ पर। दिस इज अच्छा 450 का लोड है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, ओके तो करेक्ट है, मैंने सेफ लोड कितना लिया था और 450, करेक्ट है करेक्ट है, सॉरी। तो यहाँ से आपको एल निकालना है, एल कैसे निकालेंगे, 900 में से आप सब्ट्रैक्ट करो पहले फर्स्ट टर्म, 9 × 40 × 5/4 × 0.45 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करना किसके साथ, 0.7 × 40 × 5 × 0.45, मेरा लेंथ आ रहा है 21.28 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका सेफ लोड, सॉरी सेफ लेंथ वर्कआउट करना है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन स्क्वायर पाइल, तो आपको डायमीटर के बदले यहाँ पे स्क्वायर पाइल का विड्थ दिया हुआ है। चलो ये भी क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, 12 था ना। एक स्क्वायर पाइल है 400 × 400 की, इट कैरीज अ लोड ऑफ 350 अंडर द विथ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया है, मतलब क्यू यू दिया हुआ, ये कोहेजन नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, अलोंग द सरफेस एट द बेस एंड अलोंग द सरफेस कितना 70 है, फैक्टर ऑफ 50 है 2.5 का, अल्फा दिया है 0.8 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको लेंथ डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन एल निकालना है, स्क्वायर पाइल है जिसका साइज है 400 × 400 mm का, सेफ लोड कितना है 350 का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया, मतलब ये लोड सेफ लोड है, 350 किलोन्यूटन का लोड है। अब क्या लिखा है उसने, विथ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट द बेस, बेस पे कितना है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट बेस, बेस का स्ट्रेंथ कितना है, 100 का दिया ना, तो आप बेस का कोहेजन निकाल सकते हैं, देयरफोर कोहेजन एट बेस ये हो जाएगा 100/2 विच इज 50 kN/m², ठीक है। उसके बाद अलोंग द सरफेस वो है 70 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस कितना दिया है, 70 kN/m², मतलब वहां पर कोहेजन कितना हो जाएगा, 70 का हाफ हो जाएगा 35, क्योंकि हमको पता है कोहेजन क्या होता है, अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ अपॉन 2 होता है ना, इट इज अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ अपॉन 2, ठीक है। चलिए और क्या दिया आपको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 का, अल्फा है 0.8 का, ठीक है। तो आएंगे स्टेप नंबर 1 पे, स्टेप नंबर 1 आप पहले अल्टीमेट लोड निकाल लेंगे, विल फाइंड द अल्टीमेट लोड, वो होता है सेफ लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सेफ लोड आपने कितना अलाउ किया है, आपने अलाउ किया है 350 का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 2.5 का, तो 350 इंटू 2.5 कितना होता है, ये होता है 875 kN। तो क्यू क्या होता है, ये होता है 9C5/4D का स्क्वायर, ये होता है पॉइंट रेजिस्टेंस QP, और स्किन रेजिस्टेंस क्या होता है, अल्फा C¯ πDL, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्किन रेजिस्टेंस। तो QU वो है 875 C, ध्यान देना पॉइंट रेजिस्टेंस निकालते वक्त हमको कोहेजन लेंगे बेस का, मतलब पाइल के बॉटम का, तो पाइल के बॉटम पे या बेस पे कोहेजन कितना निकाला हमने, वो निकाला 50 का, तो 9 × 50 करो
अच्छा यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, यहाँ पे इसने स्क्वायर पाइल बोला ना, तो स्क्वायर पाइल में एरिया पाई बाय फोर डी स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसकी एरिया काट रहा हूँ वाली, पाई बाय फोर डी स्क्वायर नहीं आएगा, वो आएगा बी इंटू बी, यहाँ गलती मत करना। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आता है, स्क्वायर का पेरीमीटर आता है 4 × b × l, ठीक है। ये सिली मिस्टेक हम करते हैं एग्जाम में, तो वो आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो फाइल का विड्थ है 400 का, मतलब 0.4 × 0.4 मीटर का फाइल है। तो यहाँ पे आप ले लो 0.4 × 0.4 की एरिया, प्लस अल्फा है 0.8, कोहेजन अलोंग द सरफेस, स्किन मतलब अलोंग द सरफेस होता है, ठीक है ना। तो सरफेस के अलोंग कोहेजन कितना है, वो है 35 kN/m². दिस इज 35 इंटू पाई, सॉरी पाई नहीं, 4 bL, 4 b × l, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब पाइल की बात करेंगे ना, तो पाइल का जो बॉटम है यहां से मिलेगा पॉइंट रेजिस्टेंस। तो पॉइंट रेजिस्टेंस लेते वक्त हम बेस का कभी भी कोहेजन निकालते हैं ये वाला, और स्किन के समय पे हम अलोंग द लेंथ जो भी उसका कोहेजन है यहाँ पर अलोंग द सरफेस वो कोहेजन लेंगे, ठीक है। ये स्किन है और QP क्या है, पॉइंट रेजिस्टेंस है। तो इसको सॉल्व करेंगे और L निकालेंगे, तो 875 −9 × 50 × 0.4 × 0.4 माइनस, सॉरी, अपॉन 0.8 × 35 × 4 × 0.4, मेरा लेंथ आता है 17.92 मीटर का। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पाइल इन दिस सिचुएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में एक बार रीड करता हूँ, अगर सिंपल है तो आप करेंगे। डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब एल निकालना है, फॉर अ सर्कुलर पाइल ऑफ डायमीटर 45 सेंटीमीटर है, पासिंग थ्रू द सॉइल लेयर विद अपर लेयर 5 मीटर थिक, उसका कोहेजन है 20 का, एंड लोअर लेयर ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट विद कोहेजन 30 दिया है, ठीक है। अल्फा दिया है 0.7 का, विद अल्टीमेट लोड भी मेंशन किया है 800 का। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो लेयर में आपको सॉइल दी हुई है, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज होमवर्क। चलिए, अगर आपको कोई डाउट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। 14 भी सेम है, अब हम ट्राई करेंगे 15th इज ऑल्सो सेम, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। 16th हमने ऑलरेडी कर लिया है ऐसे क्वेश्चन, ये सिंगल पाइल का आपको कैपेसिटी निकालना है, ये क्वेश्चन सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ स्क्वायर ग्रुप ऑफ नाइल पाइल्स वाज ड्रिवन इन अ सॉफ्ट क्ले एक्सटेंडिंग टू अ लार्ज डेप्थ, द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द पाइल्स आर 300 mm एंड 9 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले इज 90 kN² एंड स्पेसिंग दिया है 900 m सेंटर टू सेंटर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप, अज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, एडिशन फैक्टर दिया है 0.75। तो ये क्वेश्चन लास्ट हम लोग एक ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 17, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, एक मिनट। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या लिखा है, अ स्क्वायर पाइल ऑफ नाइन पाइल्स, सॉरी अ स्क्वायर ग्रुप ऑफ नाइन पाइल्स वॉज ड्रिवन इन अ सॉफ्ट क्ले एक्सटेंडिंग टू अ लार्ज डेप्थ, डायमीटर आपको दिया है 300 mm का, मतलब जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ 0.3 मीटर, लेंथ है 9 मीटर का। इफ द अनकन्फाइंड, इफ द कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले इज 90 kN², ये अनकन्फाइंड होती है यहाँ पर, दिस इज अनकन्फाइंड, तो क्यू यू दिया आपको विच इज 90 kN/m², तो यहाँ से कोहेजन मिल जाएगा सी यू,
वन है 90 का हाफ विच इज 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्पेसिंग दिया है 900 का मतलब 0.9 मीटर का। व्हाट इज द ग्रुप कैपेसिटी, आपको क्यू ग्रुप निकालना है, सेम क्वेश्चन है आपका। बट एक चीज यहां पर, हाँ ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 2.5 का है, एडिशन फैक्टर अल्फा है 0.75 का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ फाइल ग्रुप बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्शन, इंडिविजुअल एक्शन के बेसिस पे इसकी कैपेसिटी वर्कआउट करेंगे। कैसे निकालेंगे, क्यू यू ग्रुप इज नंबर ऑफ फाइल्स इनटू क्यू यू इंडिविजुअल, नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है 9 फाइल्स है, इनटू क्यूपी प्लस क्यूएस, क्यूपी होता है 9c 5/4 डी का स्क्वायर प्लस अल्फा सी बार पाई डी एल। ये एक्चुअल में मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत पढ़ा था, स्क्वायर ग्रुप है बट पाइल आपकी सर्कुलर है, ठीक है। तो 9 पाइल्स 9 है इंटू सी कितना है 45 का 5/4, डी कितना है 0.3 का होल स्क्वायर, अल्फा है आपका कितना 0.75 का, कोहेजन आपको दिया है 45 का, पाई डी लेंथ कितना है 9 मीटर का। या फिर आप निकाल सकते हो इसकी कैपेसिटी 9 × 9 5/4 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.75 इंटू 45 इंटू पाए इंटू ये, तो ये मेरा आंसर आता है। दिस आंसर इज कमिंग ऑन 2834.14 किलो न्यूटन, तो ये आपका क्यू ग्रुप आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे बेस्ड ऑन ब्लॉक एक्शन या फिर ग्रुप एक्शन बोलते हैं इसको, तो क्यू यू ग्रुप कैसे निकालेंगे, आपके नंबर ऑफ फाइल्स है 9, तो 1 2 3 इसको स्क्वायर पैटर्न में उसने अरेंज किया था, ठीक है। तो एक के बीच में दो स्पेसिंग आ रही है, दो आ रही है एस एस, तो ऐसा स्क्वायर मैश बनेगा ना ये, ठीक है। तो दिस स्पेसिंग दिया आपको 0.9 मीटर का, तो ये हो जाएगा 2s प्लस डी, ये भी हो जाएगा 2s प्लस डी। आप s की वैल्यू यहीं पे पुट कर लो, 2 इंटू एस है 0.9 और डायमीटर है 0.3 का, है ना, यस। तो 2 इंटू 0.9 इज 1.8, 2 इंटू 0.9 प्लस 0.3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.1 मीटर का विड्थ। तो क्यू यू ग्रुप कैसे निकालेंगे, हम करेंगे 9 इंटू सी इंटू इसका एरिया, इसका एरिया बन रहा है 2s प्लस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पैटर्न में, प्लस अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे, सी इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर आएगा 4 टाइम्स 2s प्लस डी इंटू लेंथ, तो 9, सी कितना आपका वो है 45, 2s प्लस डी की वैल्यू मैंने वर्कआउट किया 2.1 का स्क्वायर, अल्फा रहेगा ग्रुप एक्शन में 1, 45, 4 इंटू 2s प्लस डी की वैल्यू 2.1, लेंथ है 9 मीटर का, तो 9 इंटू 45 इंटू 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 45 इंटू 4 इंटू इंटू 9, आता है 5188.05 किलो न्यूटन। ये आ गया आपका क्यू ग्रुप, तो क्यू यू ग्रुप कैपेसिटी विल बी मिनिमम ऑफ 1 एंड 2, जो भी मिनिमम वैल्यू है आप वो चूज करेंगे,
मिनिमम है 2834.14, दिस इज 2834.14 किलो न्यूटन का आपका ग्रुप कैपेसिटी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।